माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, आपने घर में अपने माइक्रोवेव को यूज किया होगा, जैसे आप थोड़ा सा पानी का बॉल रखते हैं, एक मिनट के अंदर वो गर्म हो जाता है, तो पानी के अंदर के जो कंटेंट है ना उनको हिलाता है, एकदम इस तरीके से एनर्जी दे देता है कि वो बेचारे गर्म हो जाते हैं, यही उसका कॉन्सेप्ट है। अब माइक्रोवेव में अगर आप बात करें 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रीक्वेंसी रेंज बहुत पूछी जाती है, 100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर, 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर जो वेव, क्योंकि यहां पर फ्रीक्वेंसी काफी अच्छी हो गई ना, तो वेव क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो इनको फोकस किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जा रही है, इनको आराम से आप बता सकते हैं कि जैसे हम गन शूट करते हैं तो हमारे पास जो गोली होती है एकदम आप आराम से बिल्कुल टारगेट बना सकते हैं, इस तरीके का समझिए इसमें। तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो एक बहुत छोटी सी बीम में हम बना के भेजते हैं, और यहां पर होता है पैराबोलिक एंटीना। तो पैराबोलिक एंटीना का काम क्या है, फोकसिंग। मगर अगर इस तरीके से बीम आ रही है तो सबको ये यूं करके फोकस कर देगा, ऐसे यहां से भी आ रही है तो कोई ना एक पॉइंट होगा यहां पर ये फोकसिंग हो जाएगी। आपने अपना सैटेलाइट का टीवी डिश एंटीना देखा होगा, वो कुछ इसी तरीके से होता है, तो वो फोकसिंग के लिए होता है इस पॉइंट पे, और आपका जो रिसेप्टर होगा ना वो यहां लगा होता है क्योंकि ये सारी टकरा के इसको फोकस करवा देता है। तो यहां पर क्या होता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं सारी एनर्जी का एक बहुत पतली बीम में, और यहां पर आपको एक बहुत अच्छा SNR मिलता है, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। ये बेसिकली सिग्नल जो आपने भेजा है, सिग्नल पावर और जो नॉइस है उसका एक रिलेशनशिप है जिसको मैं आगे चल के बताऊंगा, इसको हम बकायदा शैनन और इनके लिक्विस्ट के बारे में जब बात करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी ये समझ लीजिए कि जितना सिग्नल भेजा और जितना नॉइस है उसका रेशियो, ये आपको अच्छा मिलता है इसमें, मतलब लॉस थोड़ा सा कम मिलता है। लेकिन जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना है इनको एकदम नजरों पे देखना पड़ेगा, आंखों से आंख मिलानी पड़ेगी। तो ये जो देखिए दोनों के दोनों आंखों से आंख मिला रहे हैं तभी बातचीत हो पाएगी। तो माइक्रोवेव से समझ में आ गया आपको, ये डायरेक्शनल है, क्या है, एक डायरेक्शनल है, मतलब ऐसा नहीं कि मल्टी डायरेक्शनल ओमनी डायरेक्शनल है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में ये है कि एक दूरी तो ठीक है, लेकिन 50 किलोमीटर के ऊपर अगर आप गए या 100 किलोमीटर का आपको कम्युनिकेशन करना है तो 50 किलोमीटर में आपको माइक्रोवेव लगाना पड़ जाएगा। माइक्रोवेव का रेंज आप देख रहे हैं यहाँ पे, और माइक्रोवेव में अलग अलग बैंड के नाम लेते हैं हम, का कू के ऐसे ना, ये का है, ये कू है, ये के है, क्यू यू वी, ऐसे अलग बैंड उसके क्योंकि यूसेज के हिसाब से बना दिए। तो मैंने आपको बताया कि हमको रिपीटर्स की जरूरत पड़ती है, तो डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर इज स्क्वायर रूट ऑफ टावर हाइट। कहने का मतलब ये है कि टावर आप जितना बड़ा करेंगे उस हिसाब से आपको ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा, क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन रिपीटर मतलब जो आपको रिपीटर्स का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी आ रही है ना इसको थोड़ा सा दोबारा से इसको शक्ति देनी पड़ती है, तो ज्यादा डिस्टेंस की में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो ज्यादा रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, ज्यादा एनर्जी बूस्टर्स लगाने पड़ेंगे। तो वही है कि रिपीटर जो लगाने पड़ते हैं बीच में वो पूरी तरह डिपेंड करता है कि टावर का हाइट क्या है, लेकिन टावर का हाइट आप बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकते ना, उसकी एक लिमिट है। तो 100 मीटर अगर टावर है, 100 मीटर कितना होता है आप सोचिए, 100 मीटर की दौड़ होती है जिसमें उसैन बोल्ट हमेशा फर्स्ट आया करते थे, उतनी लंबी दौड़ होती है। तो वो 100 मीटर का डिस्टेंस इतना बड़ा टावर आप खड़ा करेंगे तब आपको 80 किलोमीटर की दूरी पर रिपीटर्स लगाने पड़ेंगे, और हमारे टावर कितने होते हैं, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, तो इसीलिए वो 50-40 में लगाने पड़ते हैं। तो माइक्रोवेव्स ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से बिल्डिंग को पास नहीं कर पाते, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है वो जज्ब होने लगते हैं, अब्सॉर्ब होने लगते हैं। ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन हो रहा है, लेकिन हमने ये तो बता दिया कि माइक्रोवेव ट्रांसमिशन में बहुत कम फ्रीक्वेंसी होती है और ये बिल्कुल नैरोली फोकस्ड होता है, बिल्कुल आंखों से आंख मिलती है तब कम्युनिकेशन हो पाता है। लेकिन यहां पर भी क्योंकि अभी उतनी कम फ्रीक्वेंसी तो नहीं हुई ना, इसीलिए डाइवर्जेंस अभी भी हो रहा है। डाइवर्जेंस मतलब इधर उधर जाना, टकराना, इधर उधर घूमना, इधर उधर फिरना, ये सब हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है कि जैसे मान लीजिए माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हुआ, कई तो यह है लोअर एटमोस्फेरिक लेयर जो हमारी है उनसे टकरा के वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारे यहां तो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या हो रहा है, बादल बन रहे हैं, बिजली गड़क रही है, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो ये वेव्स भी से टकराएंगी, ये तो फिजिकल नेचर है। इसके अलावा कई सारी जो है वो टकरा के यहां जमीन से भी वापस आ जाएंगी, कई सीधी आएंगी। तो ये जो आ रही है ये हो सकता है फेज में हो सकता है फेज में ना हो। जब फेज में नहीं होंगी तो यहां होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि जो फेज में नहीं है वहां पर नुकसान हो जाएगा, वहां पर जो रेज आ रही है वो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी जो आउट ऑफ फेज आ रही है। इसी को हम कहते हैं मल्टीपार्ट पाथ फेडिंग, क्या कहेंगे, मल्टीपाथ फेडिंग। ये वेदर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर वेदर का जो भी काम हो रहा हो, यहाँ बादल बन रहे हैं, बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है, उस पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी तो है ही, फ्रीक्वेंसी में तो हर चीज डिपेंडेंट है। तो इससे क्या होता है कि कई सारे जो वो होते हैं ऑपरेटर्स, उनके पास उनको सरकार ने दे दिया कि भाई आप इस रेंज में बात करिए, आपको ये फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो बेचारे क्या करते हैं, ये 10% अपने पास संभाल के रखते हैं। होता यह है
कि मल्टीपाथ फेडिंग के कारण अगर कोई एक फ्रिक्वेंसी बैंड, कोई एक एरिया अगर खराब हो गया या उस पर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसका वो रीयूज उसका इसका यूज करते हैं। ठीक है जी। अब होता यह है कि लोगों की मांग ज्यादा है, और जितनी ज्यादा हाई डेटा रेट्स की आप बात करेंगे, कितनी ज्यादा लोगों को मांग हो रही है, तो यहां ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे जाने की बात हो रही है, क्योंकि डेटा रेट ज्यादा चाहिए, ज्यादा हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना पड़ रहा है। लेकिन 4 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर जब जाएंगे या उसके पास जाएंगे, तब आप देखेंगे कि नुकसान क्या है। पानी इसको पूरी तरीके से अपने जज्ब कर लेता है, पानी अब्सॉर्ब कर लेता है, अगर मैं बहुत लेमन शब्दों में कहूं तो चूस लेता है। तो सॉल्यूशन इसका क्या है? इसका सॉल्यूशन यही है। देखिए यहां पर जो प्रॉब्लम थी क्या है, इन बेचारों ने 10% अपना एक्स्ट्रा रखा ना इसके लिए, यहां पर प्रॉब्लम क्या बनती है और इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन यह है कि भाई एक काम करिए कि आप मल्टीपल लिंक दीजिए, जब बरसात इस लिंक को खराब कर रही है तो इसको छोड़ दीजिए, कोई दूसरा रूट ले लीजिए। ऐसा होता है, बस यही तरीका है, अनलेस आप जैसे में कोई एक बहुत समझदार बंदा निकले और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं माइक्रोवेव के फाइबर के ऊपर। पहली चीज तो ये है कि आपको केबलिंग नहीं करनी पड़ती, केबलिंग के लिए आपको जमीन खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी लोगों से, आपको हाथ पर जोड़ने पड़ेंगे। माइक्रोवेव काफी इनएक्सपेंसिव है, क्योंकि अगर आपने टावर खड़ा कर दिया और सही एंटीना लगा दिया तो हमेशा कम्युनिकेशन होता रहेगा।